चैन दोस्तों, मेरा नाम अतुल मैथिल और आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत बैड न्यूज़ बताने वाला हूँ। बैड न्यूज़ इस प्रकार है कि भाई, काफ़ी भाई हमसे पूछ रहे थे कि भाई, जो रिलेशन भर्ती में क्या एज में हमें छूट मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी वीडियो भी बनाई थी उससे रिलेटेड। मैंने काफ़ी वीडियो में बताया था कि भाई, आपको एज में छूट मिलेगी, आपको दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसमें बच्चों का नुकसान इंडियन आर्मी करेगी, आपको एज में छूट दी जाएगी। तो दोस्तों, फ़िलहाल आज मैं आपको बता देता हूँ, जो आज मैं इस दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ 23 तारीख को, तो दोस्तों आज हमें पता चला है कि ओनली सिर्फ एज में छूट उन भाइयों को मिल रही है जो ओपन भर्ती देखते हैं। और वो ओपन भर्ती में उनको एज में छूट कैसे मिल रही है, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होते ही चाहे आपकी जो भर्ती एक साल बाद हो, छः महीने बाद हो या दो साल बाद हो, चाहे आपकी एज 23 साल से ऊपर हो जाए, जब तक आपकी वो भर्ती नहीं होगी रजिस्ट्रेशन जिसमें आपने किया है, जब तक आपकी एज जितनी है उतनी ही रहेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल करवाई है, ठीक है। और अब दोस्तों हम बात करें यहाँ पर रिलेशन भर्ती में, तो भाई रिलेशन भर्ती आपको पता है तकरीबन 5-6 आ चुकी हैं। राजरिप की आ चुकी है, लद्दाख स्कॉट्स की जो 17 अगस्त से थी उसका भी पता नहीं चला है कि वो कैंसिल है नहीं है, हुई है नहीं हुई है। और दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ बिहार की, फिर आपकी पंजाब की, जाट की, तो काफ़ी आपकी रिलेशन भर्ती आ चुकी हैं। तो भाई मुद्दा ये है कि आपको रिलेशन भर्ती में छूट नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है दोस्तों, ये तो हमें भी नहीं पता, वैसे तो मिलनी भी चाहिए। पर जैसा कि हमें पता चला है कि भाई रिलेशन भर्ती में एज में किसी को छूट नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों जैसा हमें पता चला, हमने आपके सामने तुरंत से वीडियो बना दी कि अब भाई कोई भी एज में छूट नहीं मिलेगी रिलेशन भर्ती में, और ओपन भर्ती में मिल रही है, ये आपको पता है कैसे मिल रही है। तो काफ़ी भाई इस वीडियो को देखेंगे और बहुत परेशान होंगे, एज में छूट अब मिलेगी नहीं, ओनली सिर्फ रिलेशन वाले बंदों को, ठीक है। ओपन वाले बंदों को भाई छूट दी जा रही है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन वो कर लेते हैं, चाहे वो भर्ती एक साल बाद हो, दो साल बाद हो, तीन साल बाद हो, पर वो भर्ती में जा सकते हैं, उनका सिर्फ उनका ही फायदा है। हम यहाँ पर बात करें तो भाई रिलेशन वाले बंदों के लिए कोई भी यहाँ पर बेनिफिट नहीं है, नुकसान ही नुकसान है उन भाइयों के लिए। और उन्हीं के साथ मैं बात करूँ, जो ओपन स्पोर्ट्स वाले बंदे हैं उनका भी यहाँ पर नुकसान है, क्योंकि काफ़ी भाइयों की एज, जो भाई इस साल 2020 में मार्च से GD की भर्ती देखना चाहते थे, भाई वो अब ट्रेडमैन की भर्ती देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एज 21 कंप्लीट हो चुकी है। अब भाई आपको पता होगा 21 कंप्लीट होते ही वो GD की भर्ती नहीं देख सकते हैं, तो अब वो भाई ट्रेडमैन की भर्ती देख रहे हैं, जिनके पास सिंपल 8वीं है, और जिनके पास 12वीं है PCM से, भाई वो टेक्निकल की देख रहे हैं, कोई क्लर्क की देख रहे हैं। क्लर्क की तो आपको पता है अपने ही सेंटर में देख सकते हैं। तो भाइयों यहाँ पर सिर्फ हमें एक आपको अपडेट पहुँचाना था वीडियो के माध्यम से, भाई हम आपको एक बैड न्यूज़ बताने वाले हैं, इसमें भाई हमारा ही नुकसान है, जो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, उनको रिलेशन भर्ती में, ओनली रिलेशन भर्ती में छूट नहीं दी जा रही है। अब ये क्यों नहीं दी जा रही दोस्तों, ये तो हमें भी अभी पता नहीं चला है। वैसे बोल रही हैं कि भाई रिलेशन भर्ती में एज में छूट नहीं दी जाएगी, ओनली सिर्फ पर ओपन भर्ती होती है, जो जिसमें हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें छूट दी जा रही है। तो ये बहुत बड़ी दुखद की बात है दोस्तों, जो हमने आप तक पहुंचाई। तो आप अपनी राय ज़रूर हमें मैसेज करना, आपकी क्या राय है, एज में छूट क्या कंफर्म मिलेगी नहीं मिलेगी। जो भाई 23 साल के हो गए हैं, वो भी सोच रहे थे कि भाई हम अगर 23 साल के कंप्लीट हैं, भर्ती कैसे देखें, क्या करें, अगर छूट मिलेगी तो भर्ती में जाएंगे, छूट नहीं मिलेगी तो भर्ती कैसे देखेंगे, क्या करेंगे। तो दोस्तों धैर्य रखें, देखते हैं एज में छूट मिलती है नहीं मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ऑल पर सेट करें। जय हिंद, वंदे।